गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आज सेकंड व्लॉग बनाने जा रही हूँ। मैं घर का ही व्लॉग बना रही हूँ आज। देखिए वो सब पूछते हैं कि आप क्या करती हैं दिन में, दिन भर आप घर पे रहती हैं। देखिए मैंने पहले जॉब करती थी, लेकिन मैं बच्चों की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, तभी मैंने योगा में डिप्लोमा भी करा, बीमारियों का योगिक क्योर, योग से इलाज बीमारियों का, उसमें मैंने डिप्लोमा किया है 6 महीने का, इसलिए मेरी योगा क्लास भी चलाती हूँ। देखिए सुबह सुबह तो मैं योगा क्लास जाती हूँ, मेरी 2 घंटे मुझे वहां से आने में हो जाते हैं। फिर चाय नाश्ता वगैरह करती हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं कुछ कुछ वेराइटी बनाती रहती हूँ। 12-12:30 बजे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर मेरे पास टाइम होता है अपना पर्सनल काम करने का, तो मैं अपना पर्सनल काम मेरी बेटी भी ग्राफिक डिजाइनर है, वो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी करती है, तो वो डेली से करती बिजनेस, लेकिन कुछ वो चीजें बना के यहाँ पे छोड़ जाती है। वहां से ऑर्डर आता है, फिर मैं यहाँ पे पैक करके और यहाँ पे मैं पोस्ट कर देती हूँ। एक तो ये मेरा काम है, ये देखिए उसके बैग है, वेराइटी अलग अलग। देखिए आप भी ऑर्डर करें तो वो पीच लोर नाम से है, वेबसाइट भी है उसकी, और ये डिजाइनिंग वो करती है। तो आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके कर सकते हैं। देखिए अभी ये वाला ऑर्डर आया है, मैं अभी ये वाला पैक करूंगी, कैसे पैक करूंगी देखिए आपको ये भी मैं बताऊंगी। देखिए टेलर स्विफ्ट की ओर से सबके चलते हैं, उस पर हम ये भी करते हैं, ये स्टिकर लगाते हैं, थैंक यू कार्ड लगाते हैं, डोरी से पैक करते हैं। ये देखिए सारा उसका सामान है, अभी मैं पैक करूंगी तब मैं इस पे स्टैंड पे लगाऊंगी। देखिए मेरा एक और स्टैंड हो रहा, ये एक और स्टैंड है बड़ा वाला, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उससे बनाती हूँ। और देखिए अभी मैं इससे पहले कर रही थी, देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी, तो इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर्म भर रही थी मैं अभी बैठ के, तो 1-1.5 घंटा मुझे इसमें लगा। फिर देखिए मैं फिर वो करने लग गई, वो ये मैं पैक करूंगी अभी, और पैक करके फिर इसको पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पे इंडिया पोस्ट ही है पोस्ट ना। और देखिए शाम को फ्रेंड्स एक शादी में भी जाना है, तो मैंने साड़ी निकाल के रखी है, ये वाली नॉर्मल, मतलब दूर के है, इतना क्लोज नहीं है, तो मैं नॉर्मल साड़ी पहनूंगी। और इसके साथ देखिए मैं अभी सोच रही हूँ ये ब्लेजर पहनू, या देखिए दूसरा भी पहन सकती हूँ, कुछ स्वेटर वगैरह भी डाल सकती हूँ, शॉल भी डाल सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने यही डिसाइड किया है। देखिए मैंने इसके साथ की चूड़ियां भी पहन ली है, क्योंकि मैं हाथों में कुछ नहीं पहनी थी और मैं बना रही थी व्लॉग, तो इसलिए मैंने पहन ली है। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको ये पैक करना। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसे पैक करना बताती हूँ। देखिए पहले एक फोल्ड ऐसे लेते हैं, फिर एक फोल्ड ऐसा लेंगे छोटा। देखिए फ्रेंड्स घर में कोई काम हो तो उसमें सबको एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, तो काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है, और मालिक भी उसमें आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप उसके बंदों की हेल्प कर रहे हो, अपने साथ वालों की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, या अपनी वाइफ की, आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप उसके रब के बंदों की हेल्प कर रहे हो, तो आप हेल्प कर रहे हो तो वो आपकी हर काम में हेल्प करेगा, इसलिए हमेशा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए इंसान का। चाहे आप बाहर हैं, चाहे कहीं घर पे हैं, जिसको भी आपकी हेल्प की जरूरत हो, आप जितनी भी हेल्प उसकी कर सकते हो आप कीजिए, अपने फिजिकल चीज से, अपने जो है पैसों से, जिस भी चीज से आप कर सकते हैं, जिसको जैसी भी हेल्प की जरूरत हो, उसको कहीं छोड़ के आना हो, तो फिजिकल हो गया तो आप उसको छोड़ के आ सकते हैं। और देखिए उसको खाना खिलाना हो, उसको कोई बात बतानी हो अच्छी, ये सारी चीजें आपको करते रहना चाहिए जीवन में। मतलब ये है कि आपको मालिक ने इंसान बनाया, तो आपने इंसानियत होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए उसको अपन ऐसे पैक करेंगे, ये देखिए ये टेप से, देखिए फ्रेंड्स मैं बहुत धार्मिक भी हूँ, इसलिए भी मुझे टाइम कम मिलता है। मैं मतलब जब भी मेरे पास टाइम होता है, फुर्सत होती है, तो मैं अपने धर्म का लेके बैठ जाती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत शांति देता है, बहुत सुकून देता है, तो वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। मैं सिर्फ योगा एक्सरसाइज ही नहीं करती, ये भी करती हूँ।
और फिर और मुझे एक वीडियो भी बनानी होती है नेक्स्ट डे के लिए, तो मैं एक वीडियो भी बनाती हूँ। अब सोचिए मुझे 12 से 4 का टाइम रहता है मेरे पास, 4:30 और 4:45 फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर मेरे पास समय नहीं होता। फिर हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर कुछ मार्केट से लाना होता है तो वहां जाते हैं, कुछ दोनों के मतलब घर का कोई चीज राय सलाह करके लाना होती है तो वहां जाते हैं, और जो है फिर रात के खाने से लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास ये मेरा पूरा शेड्यूल हो जाता है। ये देखिए इसको भी अपन क्रॉस लगा देंगे। देखिए अभी इस पे थैंक यू पे डियर कर पे उसका नाम लिखूंगी मैं, जिसके नाम का कुरियर है। अभी मेरी बेटी ने एड्रेस नहीं भेजा मुझे, एड्रेस भेजेगी फिर उसमें नाम होगा, फिर मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगी। देखिए इसको अपन अंदर डाल देंगे, इसके मैं इसको डालना भूल गई, कहीं भी रख सकते इसको, यहाँ अंदर डाल देंगे। अभी जो डोरी है देखिए डोरी अपन इसको बांध देंगे। देखिए मुझे बहुत मजा आता है ऐसे नई नई चीजें करने में, इसलिए मैंने बेटी से बोला मैं इनका बेटा मैं भी कर दिया करूंगी, यहाँ पे रख जाओ आप कुछ चीजें। तो फिर उसने कहा ठीक है मम्मा आप कर दोगी तो मैं रख के जा रही हूँ। तो फिर वो इसलिए इस बार रख कर गई है, नहीं तो हर बार नहीं रख के जाती है। इस बार तो लाई थी यहाँ के लिए तो बैग रख गई है, तो मैं इसको मेरा भी टाइम एक और काम मिल गया, मतलब मुझे मैं बिजी रहना चाहती हूँ फ्रेंड्स के, खाली नहीं रहना चाहिए इंसान को कभी भी, कुछ भी करते रहना चाहिए उसको। अब देखिए ये हो गया, फिर इसके बाद इसको अपन देखिए इस पैकिंग थैली में पैक करेंगे इसको पॉली बैग में। और इसमें देखिए एक और चीज रखना है, ये देखिए देखिए ये इसके अंदर लगाएंगे फ्लैप के, ये फ्रेंड्स इसको इनवॉइस कहते हैं। देखिए यहाँ पोस्टल इंडिया पोस्ट से करती हूँ मैं, इसलिए पेपर चल जाता है, वरना वो ऑनलाइन निकालना पड़ता है इसका इनवॉइस एड्रेस वगैरह लिखने का। इसको यहाँ पे लगाएंगे, फिर ये निकाल देंगे तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा। फिर इसको पूरे को अंदर रख के, पैकेट को इसके अंदर रख के, और फिर इसको अपन यहाँ से यूं करके फोल्ड करके चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स ये कोई पैकिंग, तो ये मैं अभी एड्रेस आ जाए उसके बाद में इसको कम्प्लीट करूंगी। इतने फिर अपन फिर मैं आपको पोस्ट ऑफिस जाते हुए भी बताऊंगी, पोस्ट ऑफिस जाएंगे अपन फिर वहां पे कैसे करती हूँ मैं कुरियर, ये भी आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये पार्सल रेडी हो चुका है। देखिए अब मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस कुरियर करने। देखिए मेरा स्कूटर है, अभी मैं निकालूंगी। देखिए मैं इसमें रख के इसको डिक्की में रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं स्कूटर से जाऊंगी, और मैं कैसे चलाऊंगी स्कूटर, तो मैंने एक ये देखिए जुगाड़ किया है, यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल टेप लगाई है। अब मैं मोबाइल इसके ऊपर लगा दूंगी, तो आपको थोड़ी दूर तक व्यू दिखाऊंगी हाईवे तक, फिर उसके बाद मैं सीधे आपको पोस्ट ऑफिस दिखाऊंगी। यहाँ से फ्रेंड्स 10 मिनट का रास्ता है, तो देखिये मैं इस पर लगा रही हूँ। देखिए जाकर सीधे आपको यहाँ का पोस्ट ऑफिस बताऊंगी, इंडिया पोस्ट।
तो मैं अभी निकाल रही हूँ साइड में लेके, ये देखिए गाड़ी साइड में रोक के मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस रोड पे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस से यहाँ लगा रही हूँ। देखिए आप देखते चलिए, देखिए सिंगल वे है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, स्टेट टाइम का है, देखिए नवाब साहब के जमाने का। ये अपन यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखिए ऊपर पेड़ है, ये देखिए दो शेर हो, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए मैंने लार्ज करके बताया है आपको, यहाँ का इंडिया पोस्ट है। देखिए मैं निकाल के उतार रही हूँ पोस्ट करने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं पोस्ट ऑफिस आ चुकी हूँ। ये देखिए पोस्ट ऑफिस, ये सब रियासत काल की बिल्डिंग है। ये देखिए यहाँ मोनो लगा है जावरा नवाब का। देखिए सब रियासत काल की है, ये सब पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है इसको बाद में। देखिए आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पे सब देखने लायक है, सारा उनके ही लोग रहते थे यहाँ पे नवाबों के। ये देखिए एक इधर मच्छी भवन था जहाँ सारी बेगमाते रहती थी। ये देखिए बहुत हरियाली है यहाँ पे, ये बच्चे आ रहे हैं, ये भी स्कूल के रूप में कर दिया गया है, इसको स्कूल बना दिया गया है। और ये देखिए दूर आप जो देख रहे हैं, ये नीली कोठी कहलाती थी, देखिए इसमें ही नवाब साहब रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने पार्सल कर दिया है, अब मैं रिटर्न हो रही हूँ अपने घर को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने साड़ी बांध ली है और देखिए हम पार्टी में जा रहे हैं। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अभी मैं, क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए खाली साड़ी नहीं बांध सकते, इसलिए मैं इसके ऊपर ये ब्लेजर पहनने वाली हूँ। देखिए नहीं तो ऑफ शोल्डर साड़ी अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, लेकिन चूंकि अभी ठंड है इसलिए मुझे ये पहनना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये था संडे स्पेशल ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।